वेल वी आर स्टडिंग द कोर्स लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट डियर स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है इस पर पॉन्डर करने की जरूरत है इसको समझने की जरूरत है और जो लफ्ज आपको टेक्निकल लगे उसके लिए डिक्शनरी जरूर खोल लीजिएगा डिक्शनरी बेहतरीन उस्ताद है और इलम के जरायों में से फाइनेस्ट जरिया है तो आप अगर डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स अस्टैब्लिश फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टन एंड्स फ्रॉम सर्टन मीन्स डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और यहां पर बात यह की जा रही है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन एसोसिएशन क्या होती है जब एक या एक एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएं तो एसोसिएशन कहलाना शुरू कर देती है क्यों इकट्ठे होते हैं लोग सीधी सी बात है कि इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता नेचर बड़ी क्रूअल है और इंसान इकट्ठे होकर जिंदा रहते हैं और हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अस्टैब्लिश फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स। तो कलेक्टिवली कुछ पर्पज जो हैं वो अचीव कर रहे हैं इसलिए स्टेट जो है वो बनाई जाती है ट एक एसोसिएशन कैसे इकट्ठे हो जाएंगे लोग तो सीधी सी बात है कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि ये एक दूसरे का एहतराम करें एक दूसरे के साथ बेहतरीन प्रोडक्टिव लाइफ गुजारें एफिशिएंट हों इकोनॉमी के साथ काम करें एक दूसरे की जरूरियात प्रोड्यूस करने में अपनी स्किल्स और इलम का इस्तेमाल करें हम कॉन्ट्रैक्ट की एज में जिंदा हैं और किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन कर देता है कि लोग यहां पर कैसे लाइफ गुजारेंगे लेजिस्लेचर कैसे काम करेगी एग्जेक्टिव कैसे काम करेगी जुडिशरी कैसे काम करेगी फंडामेंटल राइट्स कैसे लोगों को अवेलेबल रहेंगे ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये राइट टू वर्क है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है राइट टू लाइफ लिबर्टी है राइट टू रिलीजन है और इस तरह के और बहुत से राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तो फंडामेंटल राइट्स की यकीनी अवेलेबिलिटी और एग्जीक्यूशन और इन्फोर्सबिलिटी जो है वो स्टेट का पर्पस होता है और एक जो ह्यूमन बीइंग है वो राइट्स के साथ ही प्रॉपर लाइफ गुजार सकता है तो डियर स्टूडेंट्स स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अस्टैबलिस्ड इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद नहीं बन जाती बल्कि इसे इंसान बनाते हैं इसलिए यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो अस्टैबलिस्ड इस्तेमाल हुआ है और इसलिए है कि कुछ पर्पजेज जो हैं वो अचीव किए जा सकें तो हैप्पीनेस सोशल जस्टिस और पीस इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट यहां पर आप देखेंगे स्लाइड्स के ऊपर के लव्स एसोसिएशन लिखा हुआ है और उससे आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ है एसोसिएशन का मतलब है यूनियन और अलाइंस और सोसाइटी स्टेब्लिश का मी मतलब है नोन और रिकग्नाइज अटेनमेंट का मतलब है अचीवमेंट सर्टन का मतलब है श्योर और डेफिनेट एंड्स का मतलब है ऑब्जेक्टिव और पर्पजेज मीन्स का मतलब है वे ऑफ रिसोर्सेज दस माई डियर स्टूडेंट्स स्टेट इज एन अलाइंस और यूनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग नोन फॉर द अचीवमेंट ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सर्टन वेज और रिसोर्सिस स्टूडेंट्स आ स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्टिंग अंडर अ गवर्नमेंट, ये स्टेट पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है पॉलिटिकल कब हो जाती है जब आप तय कर लेते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी लाइफ के मुतल ये है और मैं इस तरह रहना चाहता हूं मैं सोशलिस्टिक हूं या कैपिटलिस्टिक हूं या मैं कम्युनिज्म को पसंद करता हूँ या मैं पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी का हामी हूं या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हामी हूं तो जब आप इस तरह के नोशन आइडियाज को डिस्कस करते हैं तो आप पॉलिटिक्स डील कर रहे होते हैं तो स्टेट एक ऑर्गेनाइज पोलिटिकल कम्यूनिटी है और इसमें गवर्नमेंट इसको चलाती है गवर्नमेंट कैसे चलाती है लोग इलेक्शंस के जरिए से आते हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं और स्टेट को रन करते हैं ये स्टूडेंट स्टेट्स में भी क्लासिफाइड एज सॉर इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन और सब्जेक्ट टू एनी अदर पावर और स्टेट स्टेट्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल सॉवरिटी और हैज मनी इफ देयर अल्टीमेट सॉवरनिटी लाइज इन एन अदर स्टेट इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो डेफिनीशंस हैं द मोस्ट कॉमनली यूज डेफिनेशन इज मैक्स वेबर्स डेफिनेशन विच डिस्क्राइब्स द स्टेट एज अ कंपल्सरी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द सेंट्रलाइज गवर्नमेंट दैट मेंटेन्स द मेनोपली ऑफ द लैजीमेट यूज ऑफ फोर्स स्टेट चल ही नहीं सकती अगर गवर्नमेंट अपनी फोर्स के साथ लॉ की इनफोर्सबिलिटी ना करवाए माई डियर स्टूडेंट्स होप you have understand understood the concept of state thank you very much